आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इन दिनों पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लालू कभी पटना के मरीन ड्राइव तो कभी अपनी ससुराल घूमने निकल जाते हैं, कभी राहुल गांधी के साथ मटन बनाते हैं तो कभी अपने भाषण से ठहाके लगवाते हैं। अब वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रविवार को अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान लालू ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। बता दें कि लालू के स्वागत में आरजेडी कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश से लबरेज थे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक भारी भीड़ थी। हर कोई लालू यादव और राबड़ी देवी की एक झलक पाने को बेताब था। इस दौरान लालू ने भी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया, वे सभी कार्यकर्ताओं से बारी बारी मिले। जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए बैद्यनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक की विशेष व्यवस्था रखी गई थी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा पाठ के बाद लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। अपनी इस यात्रा के बाद लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी के साथ वापस पटना लौटेंगे।